टाइगर युवा फाउंडेशन की वृद्धा महिला आश्रम में बुजुर्ग महिलाओं के साथ दिवाली। वसई टाइगर युवा फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने कोलीवाड़ा वृद्धा आश्रम में बुजुर्ग महिलाओं के साथ मिलकर दिवाली का पर्व मनाया। टाइगर युवा फाउंडेशन के सदस्यों को अपने साथ आकर बुजुर्ग महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिली। टाइगर युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष वसीम भाई जान, नंदिता वर्तक, नीरज मिश्रा, वालंटान शिवजी सागर, वेज कलाम अंसारी, अजय भाई, शमा शेख, सबीना सैयद व मुख्य अतिथि के रूप में शम्स पठान व राधा अय्यर रहे। देखते हैं वसई से मसूद हक्कानी की रिपोर्ट। वृद्धा आश्रम में है, जैसा कि लोग दिवाली अपने घर पे मनाते हैं, और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहती है, उसे संस्थाओं में से एक टाइगर युवा फाउंडेशन है। टाइगर युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष वसीम सैयद साहब हैं, जिन्होंने ये सोचा कि जो है चलकर इन बुज़ुर्ग महिलाओं के साथ दिवाली का पर्व मनाया जाए। आइए बात करते हैं वसीम सैयद साहब। स्वागत है आपका। जैसा कि लोग ये सोचते हैं कि अपने परिवार के साथ मनाया जाए, आप जो सोचते हो सबसे अलग, जिन बुज़ुर्ग महिलाएँ उनका आश्रम में चलकर दिवाली मनाई, इसका क्या कारण है? यहाँ ऐसा है ना कि हम पहले बहुत सोशल वर्क किए थे, मगर अभी ऐसा तक हम लोगों ने पॉलिटिकल व्यू सब कुछ चीज़ की, मगर आज अभी हमने सोचा है कि एक फाउंडेशन करके हम एक ऐसी लोगों तक हमारी एक जो मैसेज है वो पहुँचा सके। और ये था कि हम दुनिया हमारे परिवार के साथ तो बनाते हैं, मगर ये हमारा सपना था कि हम ऐसा परिवार जो जिनके परिवार ना है उनका छोड़ के लोग चले जाते हैं, कुछ माँ बाप छोड़ देते हैं, कभी कुछ छोड़ देते हैं, ऐसा बच्चे अपने छोड़ देते हैं, तो ऐसे परिवार। मेरी भी यही सोच थी कि कुछ ऐसा किया जाए कि वो लोग जो अपने बच्चों से नाखुश होते हैं और बच्चे जो है उनको इस उम्र में ओल्ड एज होम में फेंक के चले जाते हैं, तो उनकी दिवाली मनाने के लिए उनके अपने कोई नहीं होते, तो क्यों ना हम उनके पास जाकर उनको खुशियाँ बांटें, दिवाली की शुभकामनाएँ दें। तो आज मैंने यहाँ देखा, जब हम लोग यहाँ आए और उनको नाश्ता वगैरह करवाया, तो इनके चेहरे पे जो खुशी थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे इनकी अपनी औलादें उनको देखने के लिए आई हैं, वो देखकर हमें बहुत खुशी हुई। और इस फाउंडेशन का ये मेरे ख्याल से स्टार्टिंग है, इसके बाद मेरा आशीर्वाद है और मैं साथ रहूँगा इनके इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने के लिए। हम हमेशा इनके साथ रहेंगे और आते रहेंगे, और सभी को मेरी तरफ से जहाँ यहाँ पर और हमारे जो भी है, हम सब की तरफ से, युवा टाइगर युवा फाउंडेशन की तरफ से हमारे सभी भाइयों बहनों को, हमारी सभी माँ बाप जो भी है तो तकलीफ ऐसे में है, उनको सबको मेरी तरफ से हार्दिक।